दोस्तों आज आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग पबजी, फ्री फायर या फिर किसी भी गेम की लाइव स्ट्रीमिंग अपने पीसी या फिर लैपटॉप से कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, आपको मैं यही सिखाने वाला हूं। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो भी स्टेप बताऊं उन स्टेप को आपको ध्यान से सीखना है, वरना आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप लोग कभी भी अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में पबजी गेम की या फिर किसी और भी गेम की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करनी है। मैं आप लोगों को सारे स्टेप बताने वाला हूँ, इंस्टॉल से लेकर लाइव स्ट्रीमिंग तक आपको जो स्टेप करने हैं वो सभी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है, अपने कंप्यूटर के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें और दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है OBS स्टूडियो। इसको सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट आएगी OBS प्रोजेक्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कौन सा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है, विंडोज़ है, मैक है या फिर लिनक्स है। तो दोस्तों अगर आपके पास विंडो है तो विंडो पे क्लिक करिए, तो ऑटोमेटिक दोस्तों ये जो OBS का जो सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आइकन आ जाएगा, ऐसा सॉफ्टवेयर फोल्डर आ जाएगा। तो जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे, अगर दोस्तों आपके कंप्यूटर में ये ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो ये ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे और कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको दोस्तों ये डाउनलोड करने के लिए कहेगा, तो इसकी वेबसाइट दोस्तों ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी OBS से ही। तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल आप कर लेना। इसके बाद दोस्तों आप इसे इंस्टॉल करना, आपका जो ये OBS है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा आपके पीसी में, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आने वाली है, जिनके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल नहीं होगा तो उनका OBS इंस्टॉल नहीं होगा। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो आप इसे डाउनलोड कर लेना। अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी है तो नहीं होगी, और ऑलरेडी सक्सेसफुली जो ये OBS है इंस्टॉल हो जाएगा बिना किसी रुकावट के। तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि OBS को इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है। तो इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इस OBS को ओपन कर लेना है। जैसे कि हम इसको ओपन कर लेते हैं तो ये हमारा OBS ओपन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं अपने चैनल पर। तो अब दोस्तों हमें सीखना है कि कैसे आप लोग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आप इसे यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा सीन्स, तो ये जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा इस पर सीन्स लिखा होगा। तो दोस्तों ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी डिफॉल्ट आएगा, इसे आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी जो सेटिंग है वो बता देता हूँ कि आपको इसमें कौन कौन सी सेटिंग करनी है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सीन आपको इधर लगाने हैं ताकि आप लोग प्रोफेशनल तरीके से अपनी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो कर पाएँ। तो जैसे कि दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सेटिंग देखने को मिल जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको स्ट्रीम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको यूट्यूब गेमिंग चूज कर लेना है। यूट्यूब गेमिंग चूज करने के बाद प्राइमरी गेमिंग तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को स्ट्रीम की डालने को कहेगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कौन सी की डालनी है वो मैं बता देता हूँ। इस की को मैं आपको नहीं दिखा सकता इसलिए सॉरी, लेकिन दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए उस चैनल की स्ट्रीम की आपको चाहिए। तो जैसे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेता हूँ, कहीं भी मत जाना दोस्तों, वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो लाइक कर दो और इसे शेयर भी कर दो ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसी जानकारी, कमाल की जानकारी हमेशा देता रहता हूँ, तो भाई के चैनल को सपोर्ट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम YouTube स्टूडियो में जाएंगे, फिर दोस्तों हमें क्लासिक स्टूडियो में जाना पड़ेगा क्योंकि अभी तो इसमें ये ऑप्शन आएगा नहीं, डायरेक्ट ये स्टूडियो वाला ही आएगा। तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पर आपको क्लासिक थीम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो नेट कनेक्शन तो काफ़ी स्लो है, तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, शायद निकल चुका है यहाँ से क्लासिक स्टूडियो का, क्योंकि यूट्यूब ने खुद कहा था कि कुछ दिनों के अंदर हम इसको निकाल देने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, हम यहां से सीख लेते हैं क्योंकि अब से आपको इसी में ही काम करना होगा। तो यहां पर आपको गो लाइव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां पर भी दोस्तों आपको
शायद गो लाइव का ऑप्शन देखने को मिल जाए, तो इधर तो नहीं दिया गया है। स्ट्रीम नाउ क्लासिक, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्ट्रीम नाउ क्लासिक पे हम क्लिक कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम स्ट्रीम नाउ पे क्लासिक पे क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे पुराने स्टूडियो में। ओके, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि लाइव डैशबोर्ड में हम आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों को, जब तक ये ओपन होता है। नेट कनेक्शन सही रहेगा तो जल्दी ओपन हो जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ पे नेट कनेक्शन काफ़ी तगड़ा नहीं चलता है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि आप जब लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं किसी भी गेम की, तो आपको सबसे पहले तो दोस्तों उसका थंबनेल बना के यहाँ पर चेंज थंबनेल पे क्लिक करके उस थंबनेल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर दोस्तों आपको टाइटल देना है, फिर डिस्क्रिप्शन दे देना है, फिर कैटेगरी कौन सी है वो चूज कर लेनी है, एंटरटेनमेंट है, गेमिंग है। आप गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो गेमिंग कीजिए, फिर यहाँ पर गेम का नाम लिख दीजिए, फिर इसे पब्लिक कर दीजिए। पब्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग कुछ भी मत करिए, यहाँ पर दोस्तों आपको स्ट्रीम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मोनेटाइजेशन ऑन है तो इसे ऑन कर दीजिए अगर आपके चैनल पे। फिर आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को क्या क्या करना है वो मैं सिखा देता हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करने से, और जब आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करें या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाइव स्ट्रीमिंग करें तो दोस्तों आप लोगों को व्यूवर मिले, आपका चैनल रैंक करे, आपकी वीडियो टॉप में आए। तो ये सेटिंग दोस्तों एडवांस सेटिंग में आपको ये करना होगा। तो अभी ये गाइस नेट कनेक्शन काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले तो मोनेटाइजेशन आएगा, इसे ऑन कर देना है। फिर एडवांस सेटिंग में आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको डेट चूज कर लेनी है। फिर लैंग्वेज कौन सी है वो लैंग्वेज चूज कर लीजिए, जैसे कि हम करेंगे हिंदी में तो हिंदी हम चूज कर लेते हैं। फिर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ जो बेसिक इन्फो है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर आपको टैग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो आपको बाहर नहीं मिलेगा। दोस्तों टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोई लोग सर्च करते हैं पबजी मोबाइल, पबजी मोबाइल लाइव, पबजी मोबाइल लाइव टूडे, तो आपका जो वीडियो है, आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो रैंक करेगी, उसके लिए आपको ये टैग डालने होंगे। तो ये डाल देना ताकि आपका जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो अच्छे से रैंक करे और आपके व्यूअर भी बढ़े। तो दोस्तों जब आप ये सब कर लें तो आपको नीचे आना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्ट्रीम नेम की, तो आपको ये जो रिवील लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके ये जो स्ट्रीम की है वो देखने लग जाएगी, हाइड नहीं होगी। फिर आपको इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। फिर दोस्तों आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आउटपुट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो रिस्केल पॉइंट आउटपुट है इसे आपको कर देना है 18, 12, 80, 17, 20, तो इसे आपको चूज कर लेना है। ये दोस्तों YouTube के थंबनेल के साइज के बराबर है, यानी कि जो वीडियो चलेगी उसके साइज के बराबर है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर इसे क्लिक कर देना है क्विक साइंस S264। फिर यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, फिर लास्ट में आना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना बीट रेट सेट करना होगा। बीट रेट दोस्तों किसके मुताबिक होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बीट रेट दोस्तों बहुत ही जरूरी है, जितनी आपके इंटरनेट की स्पीड होगी उसके मुताबिक आपको यहाँ पर बीट रेट रखना है, तभी आपकी लाइव स्ट्रीमिंग अच्छे से हो पाएगी। तो जैसे कि मैं आपको बीट रेट में जाके दिखा देता हूँ, मैंने तो 500 ऐसे ही रखा है। लेकिन दोस्तों जैसे कि अगर आपका अपलोडिंग नेट स्पीड 6.5 MB से 8 MB के बीच या फिर 8 MB तक है, तो आप लोग दोस्तों 4500 बीट रेट के या फिर 6000 बीट रेट के बीच रख सकते हैं, 4500 भी रख सकते हैं या फिर 5000 भी रख सकते हैं बीट रेट। और फ्रेम रेट दोस्तों आप 60 FPS रख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेम रेट का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर तो नहीं है दोस्तों, रिकॉर्डिंग में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों आपको सेम ही करना है, आपको इसे MP4 कर देना है, स्टैंडर्ड पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको क्वालिटी कर देना है, उसमें भी दोस्तों आपको क्वालिटी कर देना है। फिर यहाँ पर मेन आपको कर देना है, फिर आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको बीट रेट रखना है, बीट रेट कितना होना चाहिए आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपका इंटरनेट 6.5 MB से 8 MB के बीच है तो आप इतने बीट रेट के बीच रख सकते हैं, 4500 से 6000 के बीच। फिर दोस्तों आप यहां पर देखिए, अगर आपका इंटरनेट 5.7 MB के बीच है तो आप इस साइज पे आप लोग इतना बीट रेट रख सकते हैं, 3500 से 5000। फिर आप देख सकते हैं कि 1080p पे 30 FPS पे आप लोग दोस्तों 3500 और 5.7 से 7 के बीच 3500-5000 KBPS आपका रख सकते हैं 30 FPS के साथ। फिर दोस्तों अगर आपका इंटरनेट 4.5 और 6 MB के बीच है
एमबीपीएस के बीच, तो 2500 से 4000 के बीच आप फ्रेम रेट रख सकते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों काफ़ी लोगों का इतना ही होगा, 4000 4.5 एमबी से 6 एमबीपीएस के बीच जिनके पास राउटर वाईफाई होगा, तो दोस्तों वो इतना रख सकते हैं, इतने के बीच आप रख सकते हैं। अगर आपके पास इतनी इंटरनेट स्पीड है तो आप 2500 रखिए, काफ़ी अच्छा रहेगा, अच्छे से लाइव स्ट्रीमिंग हो पाएगी। अगर इससे भी कम है तो आप लोग 1500 से 3000 के बीच के बीपीएस रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कोई लोग आप लोगों को ऐसा नहीं बताता कि आपको ये करना है, तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप लाइव स्ट्रीमिंग करें। तो यहाँ पर आपको ये कर देना है, यहाँ पर आउटपुट मोड में आपको इसे एडवांस कर देना है, सिंपल होगा तो आपको एडवांस कर देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको यहाँ पर 720p क्वालिटी मेन, ये आप देख सकते हैं, इन सभी को आपको रखना है। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं कि और भी कोई रह जाता है तो वो भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर लैंग्वेज भी आप चूज़ कर सकते हैं, स्ट्रीम ने हमने कर लिया, फिर ये भी हमने चेक कर लिया है। ऑडियो पे तो दोस्तों आपको शायद कुछ नहीं करना है, जैसे कि ऑडियो पे जाके मैं दिखा देता हूँ, ऑडियो पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि वीडियो में आपको इसे 1280x720 कर देना है। फिर दोस्तों इसे आपको कर देना है बीक्यूबिक स्प्रेड स्केलिंग 16 सैंपल्स, इसे आपको कर देना है। फिर दोस्तों ये जो आपका FPS होगा, इस ये आपका 60 FPS पे होगा, तो आपको इसे 29.97 रख देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इसमें से आपको किसी को भी छेड़ना नहीं है। अब दोस्तों आपको अप्लाई पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है, तो आपकी जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी बहुत ही ईजी तरीके से। अब दोस्तों हम जानते हैं कि आप यहाँ पर सीन कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखे होंगे कि कई जो यूट्यूबर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो सबसे पहले उनका जो सीन है वो दिखाई देता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पर सीन लगाते हैं वेलकम वाला, तो आपको क्या कर देना है कि ये आपका डिफ़ॉल्ट आएगा, तो इसे आप रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के बाद दोस्तों जो भी आप सीन में लगाएं उसका नाम अलग अलग होना चाहिए, ताकि आप लोग सही से उसे मैनेज कर सकें। तो रीनेम पे करके हम इसे वेलकम कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई आएगा तो हम उसे कैसे इंट्रोडक्ट करेंगे, यानी कि जब वो हमारे वीडियो को ओपन करेगा तो उसके सामने सबसे पहले क्या आएगा। तो आपको क्या करना है कि सीन को बनाने के बाद आपको यहाँ पर आ देना है सोर्सेस पे, यहाँ पर दोस्तों आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपनी इमेज लगाना चाहते हैं तो इमेज लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर माय इमेज लिख देता हूँ, इसका भी आपको नाम दे देना है। फिर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ब्राउजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से सीख पाएं। तो दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप लोग सही से सीख पाएंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों आप लोग यहां से अपनी कोई भी फोटो को चूज कर सकते हैं, जैसे कि ये काफ़ी तेज भाग रही है, ओके, तो इस वाली फोटो को मैं ले लेता हूँ, ओके, और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों इस फोटो को आप यहां से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर आप इसे डबल क्लिक करके अपने साइज के मुताबिक यहां पर आप रख सकते हैं। जब भी कोई वीडियो पे आएगा तो सबसे पहले आप वेलकम वाला जो है ये लगा सकते हैं। ओके दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको हमने और छोटा कर देते हैं ताकि अच्छा लगे दिखने में। तो कुछ इस प्रकार से आप दोस्तों यहाँ पर इस फोटो को लगा सकते हैं। अब दोस्तों वेलकम में ही आप और भी चीज़ें लगाना चाहते हैं, जैसे कि हम टैग्स लगा देते हैं, वेलकम माय फ्रेंड्स या फिर वेलकम दोस्तों, तो आप यहाँ पर आपको टैग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर टैग्स का नाम दे दीजिए वेलकम माई फ्रेंड्स, मैं ऐसा ही लिख दूँ वेलकम माई फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स आ जाते हैं इसमें, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है वो मेरे सभी फाइल लोग हैं, वेलकम फ्रेंड्स। फिर आपको इसे ओके कर देना है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है वेलकम माय FRIENDS फ्रेंड्स, फिर आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसकी साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिसके इस साइज को हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि इतना हमें इसे रखना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, वरना आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग नहीं सीख पाएंगे अपनी वीडियो पे। काफ़ी लोग दोस्तों बताते हैं कि कैसे लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, लेकिन वो सही तरीका नहीं बताते हैं, कुछ ऐसे पार्ट रह जाते हैं वो लोग नहीं बताते हैं, लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो में सब कुछ जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा देखना,
जरा भी वीडियो को स्किप मत करना, अपने भाई की इतनी तो रिस्पेक्ट करना, वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो अब दोस्तों हमने वेलकम तो लगा लिया है, अब बारी आती है अगर हम यहाँ पर टाइमर लगाना चाहे तो टाइमर भी लगा सकते हैं। टाइमर लगाने के लिए फिर से हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको मीडिया सोर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मीडिया सोर्स का आपको इस पर क्लिक करना है और इसका नाम दे देना है टाइमर। टाइमर लिखने के बाद इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम ब्राउज फीचर में जाएंगे। ब्राउज फीचर में जाने के बाद दोस्तों आपने कहीं भी ऐसा ग्रीन स्क्रीन वाला जो टाइमर है वो डाउनलोड किया है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं लाइन चार्ट काउंट ओके ये रहा, तो दोस्तों ये वाला जो टाइमर है वो मैंने ले लिया है। अब मैं इसे यहाँ पर दोस्तों आपको लूप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको तो इसे भी क्लिक कर देना है क्योंकि आपका टाइमर चलता रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसे भी क्लिक कर देना है लूप वाले को, फिर आपको ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो दोस्तों ये टाइमर आपके सामने चलता हुआ दिखेगा। आपको ग्रीन स्क्रीन वाला ही टाइमर लेना है ताकि आप लोग अच्छे से इसे ग्रीन स्क्रीन का जो है निकाल सके। और दोस्तों कई यूट्यूबर को आपने देखा होगा कि वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो उनके पीसी का बैकग्राउंड वो रिमूव हो जाता है, तो दोस्तों वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि अगर आप अपनी वीडियो भी खुद की जो लाइव वीडियो है वो लगाना चाहते हैं, खुद का फेस लगाना चाहते हैं, जैसे कि काफ़ी यूट्यूबर कोने में बैठे बैठे बोलते रहते हैं, तो आप कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है वीडियो कैप्चर डिवाइस। ये दोस्तों जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों एक कैमरा ओपन हो जाएगा आपके पीसी का। मेरा कैमरा तो इतना अच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा, इसलिए सॉरी। लेकिन आप इस पर क्लिक करके फिर आपको क्या करना है कि पीसी का आपने जो भी बैकग्राउंड रखा है उसको निकालने के लिए दोस्तों अभी जो मैं आपको सेम तरीका बताऊँ टाइमर के साथ वही तरीका आपको ये वीडियो कैप्चर पर अप्लाई करना है, तो आपके पीसी का बैकग्राउंड भी निकल जाएगा लाइव स्ट्रीमिंग में। तो अब दोस्तों हम इसे पीछे का जो बैकग्राउंड है वो निकालने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको क्रोमा की देखने को मिलेगी तो उस पर आपको क्लिक कर देना है और क्रोमा पे भी इसे ओके कर देना है। और आप देख सकते हैं कि आपकी जो ग्रीन स्क्रीन है वो पीछे से निकल चुकी है और दोस्तों इसे आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो टाइमर है वो अच्छे से लग चुका है। अब दोस्तों ये हमारा पहला सीन बन गया कि लोग अगर इसमें आएंगे लाइव स्ट्रीमिंग में तो सबसे पहले तो उन्हें ये दिखाई देगा। अगर आप इस पर क्लिक करके रखेंगे तो जब आप लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करेंगे तो उनको ये टाइमर दिखाई देगा, तो वो थोड़ा सा वेट करेंगे। फिर दोस्तों आपको सीन चेंज कर लेना है। सीन चेंज करने के लिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप दूसरे में क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर हम चैनल इंट्रो लगाएंगे। अगर आपके पास चैनल इंट्रो है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बना सकते हैं। चैनल इंट्रो बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आप फ्री में भी चैनल इंट्रो बना सकते हैं। तो हमने ये चैनल इंट्रो एक सीन बना लिया है, तो इस चैनल इंट्रो को हम उठा के ऊपर की साइड में रख देते हैं या फिर वेलकम को नीचे रख देते हैं। वेलकम को हमें नीचे रखना है। अब चैनल इंट्रो को हमने ऊपर रख दिया है। अब दोस्तों हम प्लस पे क्लिक करेंगे क्योंकि इधर हमें इंट्रो लगाना है। इंट्रो लगाने के लिए हम मीडिया सोर्स पर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे इंट्रो फॉर चैनल, ताकि सेम नाम ना हो दोस्तों, इसलिए मैं अलग अलग लेटर लिख रहा हूँ, तो आपको ऐसा ही करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ब्राउजर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दोस्तों आपके चैनल का इंट्रो सर्च कर लेना है। मेरा तो चैनल इंट्रो यहाँ पर ही है, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा। ओके ये रहा, जैसे कि दोस्तों हमारे प्रकाश चौहान का चैनल नेम है, तो मैं थोड़ा सा कम साइज का 9 सेकंड वाला ये इंट्रो ले लेता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आपको लूप पे क्लिक कर देना है, इस बात को ध्यान देना है वरना आपका जो इंट्रो है वो रिपीट नहीं होगा। और फिर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपका जो इंट्रो है वो बड़ा होगा, तो इसे आपको यहाँ से पकड़ के खींच के साइज मुताबिक कर देना है। इतनी साइज आपको कर देनी है, तो आपका ये चैनल इंट्रो लग चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप सब्सक्राइब बटन वाला भी इंट्रो लगा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। मैंने तो ये वाला इंट्रो लगाया केवल आपको दिखाने के लिए। अब दोस्तों हमारा ये जो चैनल इंट्रो तो ये बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम चैट बॉक्स लगाना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो प्लस वाला आइकन है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सर्च करेंगे हम चैटिंग या फिर चैट बॉक्स। ओके हमारा ये नया सीन है दोस्तों, इसको अभी हम ऊपर की साइड में रखेंगे। ओके अब दोस्तों इधर आ चुका है। पहले दोस्तों जब हम लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करेंगे तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको रखेंगे, जैसे ही टाइमर खत्म होता है तो हम चैनल इंट्रो पे क्लिक कर देंगे तो चैनल इंट्रो शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग चैट बॉक्स ओपन करना चाहते हैं इंट्रो खत्म होने के बाद,
आप लोगों को अपने व्यूअर को लाइव चैट दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन आपको चैट कर रहा है, अपनी वीडियो लगाना चाहते हैं तो आप इधर भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं चैट बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों अब यहाँ पर हम एक अच्छा सा बैकग्राउंड लगाते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बैकग्राउंड चूज करना है अपने वीडियो के लिए, तो हम इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज पे क्लिक करने के बाद बीजी लिख देंगे या फिर बैकग्राउंड भी आप लिख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म रहेगा दोस्तों, उसके लिए मैंने बीजी लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक अच्छा सा बैकग्राउंड सर्च कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है कहीं से भी, लेकिन कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। जैसे कि मैं ये वाला ले लेता हूँ। ओके ठीक ख्याल चलेगा, कोई बात नहीं। इसको भी हम खींच के बड़ा कर देते हैं, खींच के बड़ा कर दिया है इसको। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि हमारा जो ये बैकग्राउंड लग चुका है, अब दोस्तों हमें क्या करना है कि अब ओके थोड़ा सा बाहर की साइड, ओके ठीक है। अब दोस्तों ये हो चुका है, हमारा बैकग्राउंड लग चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पर अपनी, तो सबसे पहले तो आपको एक इमेज लगा देता हूँ ताकि आप लोगों का जो वेबकैम है वो अच्छा दिखे। जैसे कि हम न्यू फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों मैंने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, ये रही वो इमेज। अब दोस्तों हम ब्राउज पे क्लिक करके इस इमेज को हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये दोस्तों इमेज हमारी लग चुकी है, पीएनजी इमेजेस। अब हमें क्या करना है कि चैट बॉक्स है तो अभी हमें यहाँ पर अपना जो वेबकैम है वो लगाना है। यहाँ पर वेबकैम लगाने के लिए आपको वीडियो कैप्चर डिवाइस पे आपको क्लिक कर देना है, फिर आप इधर सर्च कर सकते हैं, लिख सकते हैं माई फेस। थोड़े से दोस्तों वर्ड इधर उधर हो जाते हैं, क्या करें इंसान है। ओके दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूं और वीडियो की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल घटिया आ रही होगी आप लोगों को, इसलिए माफ कर देना मुझे, लेकिन क्या करें। इसको आपको पकड़ के तो इसको हम इधर एडजस्ट कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि माई फेस, माई कैम, माई बीजी ये सब लग चुका है। अगर दोस्तों हम माई फेस को हम लास्ट में जाने देते हैं तो ये सही से लग जाएगा, आप देख ही सकते हैं। ओके माई फेस बैकग्राउंड के नीचे चला गया है, मैं इसलिए देख नहीं रहा था। ओके ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पंखा चालू करूँगा तो आ जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि आवाज़ होगी तो आप लोगों को सही से सुना ही नहीं देगा। अभी मैंने लाइट भी ऑन नहीं की हुई है, इसलिए दोस्तों फेस आप लोगों को अच्छा नहीं दिख रहा होगा, इसलिए माफ़ कर देना। लेकिन दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसे लगा देना है। अब दोस्तों बारी आती है कि इधर आप चैट बॉक्स लगाना चाहते हैं, चैट बॉक्स कैसे लगाएंगे। तो चैट बॉक्स लगाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहले हम जाएंगे टेक्स्ट में, इधर हम लिख देंगे चैट बॉक्स ऑलरेडी एक्सिट। आप लोगों ने देखा ऑलरेडी एक्सिट है चैटिंग बॉक्स, चैटिंग बॉक्स के हम इसको ओके कर देंगे और यहाँ पर हम सर्च लिख देंगे चैट बॉक्स। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अपने भाई के इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने चैट बॉक्स भी इधर लगा दिया है। अब दोस्तों बारी आती है इसमें चैटिंग बॉक्स इधर हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ब्राउज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके इधर लिख सकते हैं बॉक्स। यहाँ पर दोस्तों आपको एक URL डालना होगा, URL कहाँ से मिलेगा आपको, तो यहाँ पर दोस्तों जो चैट अलर्ट होगी तो यहाँ पर आपको जाना है Streamlabs, इस पर आपको क्लिक करना है। Streamlabs पे क्लिक करते हैं दोस्तों एक नई वेबसाइट आ जाएगी। ओके दोस्तों ये जो सबसे पहली वेबसाइट आई है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे दोस्तों आपके YouTube चैनल से इसमें आपको लॉगिन करना होगा, जो भी आपका YouTube चैनल है उसकी मदद से आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करिए और सिंपली लॉगिन हो जाइए। दोस्तों जब आप लोग इस वेबसाइट में लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑल बिगर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सबसे पहले तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो चैट बॉक्स देखने को मिलेगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। चैट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक विगेज URL दिया गया होगा, क्लिक टू शो विगेज URL। तो आपको दोस्तों मैं तो शो नहीं करा सकता, तो आपको क्या करना है कि इसे कॉपी कर लेना है, विगेज को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों जब कोई भी चैट करेगा तो आपके व्यूअर को वो चैट बॉक्स यहाँ पर दिखेगी पीछे। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें क्या करना है कि ये जो URL है ये वाला,
तो इसको हमें रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों ये जो चैट बॉक्स है आप देख सकते हैं, ये वाला जो चैट बॉक्स है ये आपको इधर कुछ भी नहीं दिखेगा अभी। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी लोग चैट करेंगे उनको ही दिखेगा। तो ये तो सबसे पहले हो चुका है हमारा काम। अभी दोस्तों लाइट चली गई है तो फेस कैम को थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर देता हूँ। और दोस्तों ये करने के बाद आप लोगों को इस वेबसाइट पे आना है और नीचे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करते ही ये दोस्तों सेव हो गया है। अब दोस्तों हमें एक और सीन बनाना है यहाँ पर गेम के लिए। तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे सीन के ऊपर और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे गेम, लिख देंगे इस सीन का नाम, दे देंगे गेम और इसको सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद दोस्तों हम गेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपना जो वीडियो कैप्चर है इसे ऑन कर देंगे और इधर हम लिख देंगे या फिर जो इधर माय ऐड ऐड पे हम क्लिक करके माय जो फेस है इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये ऑलरेडी हमारा जो ऐड वाला ये जो फेस है इधर आ जाएगा और इसे हम यहाँ पर रख सकते हैं। और दोस्तों अगर हम पीछे का जो बैकग्राउंड है रिमूव करना चाहते हैं, अगर हमने पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाया है तो दोस्तों ये करने के बाद अभी दोस्तों यहाँ पर शो नहीं करेगा तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और ये शो करने लग गया तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके फिल्टर पे जाएंगे। फिल्टर पे जाने के बाद प्लस पे क्लिक करेंगे और क्रोमा की पे क्लिक करेंगे तो हमारे पीसी का जो भी ग्रीन स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो सभी कई यूट्यूबर दोस्तों ऐसा ही करते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये हमने लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कोई अलर्ट बॉक्स लगाना है, जैसे कि कोई सब्सक्राइब करता है तो हमें स्क्रीन पे दिखे, तो ऐसा अलर्ट बॉक्स हम कैसे लगा सकते हैं? तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, एक मिनट आवाज़ बंद कराता हूँ। आवाज़ बंद करो। ओके तो सॉरी, ऐसे दोस्तों वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आती है लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों के लिए इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं इतनी झंझट करके, एक लाइक तो बनता है और सपोर्ट करना, शेयर भी कर देना इस वीडियो को। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अलर्ट बॉक्स लगाना है, जैसे कि कोई सब्सक्राइब करता है या फिर कोई पे सुपर चैट करता है, डोनेट करता है तो वो कैसे दिखाई देगा? तो आपको यहाँ पर अलर्ट बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको अलर्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। अलर्ट बॉक्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक URL मिल जाएगा, ये वाला जो लॉग क्लिक टू शो URL है इस पर आपको कॉपी कर देना है। इसको कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको प्लस पे क्लिक करना है और ब्राउज़र पे क्लिक करना है। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद इसका नाम दे देना है अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो URL है इसे हम कर देंगे रिप्लेस इसके साथ। और रिप्लेस करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वाला जो अलर्ट बॉक्स है वो इधर लग चुका है। आप लोगों ने कई वीडियो गेमिंग लाइव स्ट्रीमिंग में देखा होगा कि जब कोई सुपर चैट करता है तो यहाँ पर आता है। तो चलिए मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखा देता हूँ, जैसे कि कोई डोनेट करता है तो आप देख सकते हैं कि डोनेट करने का कुछ ऐसा जो अलर्ट हमें दिखाई देगा। इसके बाद अगर कोई सब्सक्राइब करता है तो टेस्ट सब्सक्राइबर, यहाँ से दोस्तों आप सब्सक्राइबर टेस्ट कर देते हैं तो प्रकाश चौहान जस्ट सब्सक्राइब पेड, तो आप लोगों ने देखा कुछ ऐसा अलर्ट आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये वाला जो PNG है इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसे कि सेव कर देना है। ओके दोस्तों सेव कर दिया। अब हमें इस वेबसाइट का कोई भी काम नहीं है तो इसको हम कर देते हैं क्लोज, क्योंकि हमारा ये काम तो कम्प्लीट हो चुका है। ओके तो दोस्तों अब बारी आती है गेम कैप्चर करने की। तो गेम कैप्चर करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, मेरी जो लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही इसलिए मैं आप लोगों को मेरा फेस दिखाना नहीं चाहता। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें गेम लगानी है पीछे, तो गेम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे ऐड पे और यहाँ पर दोस्तों आपको विंडो कैप्चर नाम का एक देखने को मिलेगा। आपको विंडो कैप्चर पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको नाम दे देना है, जो भी गेम का आप नाम देना चाहे, जैसे कि अगर आप पबजी की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो पबजी की, फ्री फायर की करते हैं तो फ्री फायर की। अभी तो दोस्तों मैं फ्री फायर की आपको करके दिखा रहा हूँ, आप लोग इसकी बजाय पबजी की भी कर सकते हैं। फिर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो कि जो गेम है इसे आप लोगों को ऑन कर देना है। जैसे कि गेम लुक में मैंने गेम डाउनलोड की हुई है, जैसे कि फ्री फायर है तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद हम कर देते हैं यस। तो अभी दोस्तों हमारी जो गेम है वो स्टार्ट हो जाएगी कुछ मिनट में, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके लिए। तो जैसे कि दोस्तों हमारी ये जो गेम है फ्री फायर, इसको हम प्ले पे क्लिक कर देते हैं। प्ले पे क्लिक करने के बाद
तो ये गेम दोस्तों प्ले होना शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं क्योंकि नेट कनेक्शन स्लो है और पीसी भी थोड़ा सा लेग करता है, साथ नहीं देता है, इसलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और दोस्तों बाहर के बैकग्राउंड को आप लोग ध्यान मत देना। और दोस्तों ये सब हो जाने के बाद ये जो गेम शुरू हो जाएगी तो आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है और इस गेम को आपको चलने देना है। फिर दोस्तों आपको जाना है अपने ये स्टूडियो में, यहाँ पर दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आपको गेम दिखाई दे तो अच्छी बात है, नहीं दिखाई देती है तो आपको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद फिर से दोस्तों आना है। तो फ्री फायर स्टार्ट हो चुकी है तो फ्री फायर पर हमें ध्यान नहीं देना अभी, क्योंकि अभी हमें इसे हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद दोस्तों गेम शुरू हो चुकी है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। फिर से हम जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, पहले नहीं कर लेना है। सॉरी, मैंने आपको सबसे पहले दिखा दिया। विंडोज कैप्चर पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, जो भी गेम है उसका नाम लिख देना है, जैसे कि हम लिख देते हैं फ्री फायर। यहाँ पर आप पबजी की लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो पबजी लिख सकते हैं। फिर दोस्तों पबजी को बैकग्राउंड में चला के ये दोस्तों और कुछ रहा हो रहा है, लेकिन हम इसे नहीं कर देना, हमें जो गेम है उसे कर देना है यहाँ पर। तो ये गेम ये रही, आप देख सकते हैं, फिर हम कर देना है इसे ओके। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो ये फ्री फायर गेम है वो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है। अब सिंपली दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो स्टार्ट स्ट्रीमिंग इस पर क्लिक कर देना है और हमारी जो गेम है वो स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप लोग कोई भी गेम की लाइव स्ट्रीमिंग अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों स्टॉप करने के लिए भी आपको यहां पर स्टॉप का बटन मिल जाएगा, तो यहां से ही आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हों और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई बड़ी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।